कोरबा में अधिवक्ता गोपाल यादव और कटघोरा के नायब तहसीलदार रवि राठौर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार और उनके कर्मचारियों ने वकील के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। मामले में तहसील के कर्मचारी शिवचरण ने कुछ वकीलों के खिलाफ कटघोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर की जानकारी मिलते ही कटघोरा अधिवक्ता संघ से जुड़े वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वे नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। वकीलों ने साफ तौर पर कहा है, बता दें आपको, वकीलों ने नायब तहसीलदार रवि राठौर और तहसीलदार रोहित सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए धरना दिया। पुलिस ने कई घंटों बाद अधिवक्ता संघ को 24 घंटे का समय लेकर दोनों पक्ष में मध्यस्थता कराने की बात भी कही है। तहसीलदार साहब जो रोहित सिंह हैं, वो अपने स्टाफ के साथ पूरा तमतमाते हुए आए। उसने स्टाफ में उनके बाबू कृष्ण कुमार पुस्तकार और चपरासी शिवचर ये लोग रहे, उसके साथ तीन लोग और रहे, और ये आते ही सीधा समझ गए और सीधा बोलने लगे, फालतू बकवास कर रहा है तो यहाँ से निकल, यहाँ से ऐसा उनका शब्द था। और इस तरह से वकीलों के मान सम्मान को आहत पहुंचाने वाली घटना हुई है, उसके संदर्भ में अधिवक्ता समुदाय ने उपस्थित होकर के गोपाल यादव जी की जो शिकायत है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आग्रह किया। एफआईआर दर्ज करने के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों ने अपनी तरफ से हमसे समय मांगा है। पत्र में अधिवक्ता संघ आज कटघोरा थाना आए हुए थे और परसों 11 बजे तक का समय लेके अभी गए हैं, फिर परसों फिर बैठक होगी, फिर इसमें आगे निर्णय लिया जाएगा।